क्या जरूरत थी वफा इतना ओवर रिएक्ट करने की? महलों के ख्वाब देखे थे, आ गई हूँ ना आप सड़क पे। लेकिन जो हुआ हुआ तो ठीक, अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे खरीद लिया हो मुझे। लेकिन अब शायद को क्या बोलूंगी, उसने तो बहुत मजाक उड़ाना है मेरा, हर चाल उल्टी पड़ गई। मैं क्या करूं, मैं क्या? मिसर, 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 एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहने के लिए आया। आज एक बार फिर मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी। नहीं सर, गलत तो मैंने आपको समझा, मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था। लेकिन मगर मैं एक बहुत बदतमीज इंसान निकला, है ना? यही कहना चाह रही थी ना आप? हर बात इंसान कहता नहीं है, कुछ बातें उसका लहजा बता देती है। आपको पता है सर, मुझे लगा था कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का दुख दर्द भी सुनते हैं, समझते हैं। But I was wrong. आप भी उन्हीं अमीरजादों की तरह हैं जो हर वक्त अपने पैसों के नशे में चूर रहते हैं, अपने पैसे की ताकत से जीते हैं और फिर वही ताकत दूसरों पे भी आजमाते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा सर, नजर का इलाज तो है अगर नजरिए का नहीं। मिसर, मैं देख रहा हूं आपके लहजे में जिंदगी की तलखियां, लेकिन यहां इस तरह रोड पर वेरी ऑकवर्ड। प्लीज मेरे साथ चलिए, हम चलकर कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं सर प्लीज, आपका कीमती वक्त जाया होगा, एक मिनट के हिसाब से लाखों का नुकसान हो जाएगा जो शायद आप मेरे लिए अफोर्ड ना कर पाए। आर यू डन? खत्म हो गई आपकी बात या मजीद अभी और कुछ कहना बाकी? डोंट डू दैट प्लीज, चलिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज आइए। प्लीज आइंदा कभी मेरे लिए भाषा मत खोलिएगा। क्यों? हैं कुछ तलखियां जो माजी को रेत देती है।